अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 जून 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, CBSE लेटेस्ट अपडेट क्या है इसको देखेंगे। फिलहाल आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए और देखिए सीटेट न्यू एग्जाम डेट 2020 को लेकर एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, 2020 को लेकर क्या अपडेट आ रही है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सरकार का दोस्तों एक बड़ा फैसला है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक चीज और देखा होगा कि सीटेट का पेपर 5 जुलाई को होगा या नहीं, इसको दोस्तों CBSE ने एक बार और क्लियर किया है। जी हाँ दोस्तों, CBSE की पोस्ट में एक बार फिर से, मतलब ट्विटर पर एक पोस्ट आया CBSE की तरफ से, ऑल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर सीटेट जुलाई 2020 एग्जामिनेशन आर अगेन इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जाम शेड्यूल्ड फॉर 5 जुलाई 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड, द नेक्स्ट डेट विल बी नोटिफाइड लेटर। तो दोस्तों ये सीटेट की तरफ से एक और ऑफिशियल बयान आया। जी हाँ दोस्तों, CBSE की तरफ से कि जो सीटेट की परीक्षा थी वो 5 जुलाई को होने वाली थी, वो फिर से आपको बताया जा रहा है कि ये परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आई उत्तर प्रदेश से, राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा निरस्त होंगी, छात्र प्रोन्नत होंगे, छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी अपडेट में बात करें, अनलॉक टू में क्या निकला कि 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, कोचिंग सेंटर भी दोस्तों बंद रहेंगे, जानिए खास बातें। अब कोचिंग सेंटर बंद रहने से दिक्कत क्या होने वाली है फिर से हम आपको बताते हैं। काफ़ी छात्रों को दोस्तों उम्मीद थी कि जो कोचिंग सेंटर है वो जुलाई में ओपन होंगे, तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे थे वो कम से कम जुलाई में जाकर कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे, उसके बाद सीटेट की परीक्षा देंगे। लेकिन जब कोचिंग सेंटर ही नहीं खुलेंगे फिर सीटेट की परीक्षा आगे चलकर कैसे होगी, तो मतलब छात्रों के पास विकल्प सिर्फ ऑनलाइन का बचता है आज की डेट में, तो फिर देखिए यहाँ पर दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भारत में टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर लग गया है प्रतिबंध, देखे बैन चाइना ऐप की सूची। तो ये दोस्तों बड़ी बात है कि 59 ऐप को हमारे देश में अब बैन कर दिया गया है। अब बड़े दोस्तों मात्रा में अगर आप जानते होंगे कि टिकटॉक के यूजर्स दोस्तों हमारे देश में थे। जी हाँ दोस्तों, एक मतलब बहुत ही बड़ी संख्या में टिकटॉक यूजर्स इंडिया में थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शेयर इट को लेकर, क्वाई हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, और काफ़ी बच्चे होंगे जो हेलो यूज करते होंगे, लाइक ही यूज करते होंगे। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट ऐप था जिसका नाम आपने सुना होगा, तो उसका नाम दोस्तों क्या है आपका, कैम स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, कैम स्कैनर जिससे आप पीडीएफ बनाते थे। लेकिन दोस्तों इसके सारे अल्टरनेट सब मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कैम स्कैनर नहीं रहेगा तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, उसके अल्टरनेट हैं। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि दोस्तों जो ये ऐप पर प्रतिबंध लगा है ये कब से आपको प्ले स्टोर पर नहीं दिखेंगे, तो फिलहाल दोस्तों इसमें अगर आप चेक करेंगे प्ले स्टोर पर, तो टिकटॉक हट चुका है, लाइक ऐप ऑफिशियल वाला हट चुका है, अब लाइट वाला पड़ा है, पता लगे वो भी हट जाएगा जल्दी। तो धीरे धीरे दोस्तों मतलब जो ऐप्स हैं टिकटॉक के उनको हटाया जा रहा है प्ले स्टोर से। अब प्रतिबंध लगा तो दोस्तों कुछ देर के बाद आप देखेंगे इस पर इंटरनेट एक्सेस का ना मिल पाए। तो ये भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है, जो ये काफ़ी दोस्तों बड़ी मात्रा में जो चाइनीज ऐप थे उनको हटाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, सरकार दोस्तों कोई काम कर रही तो बढ़िया है। लेकिन एक बात, यहाँ दिक्कतें क्या होंगी ना, जो बड़ी मात्रा में दोस्तों टिकटॉक यूजर्स थे इंडिया में, अगर आप नहीं यूज करते कोई बात नहीं, अगर आप क्रिएटर थे टिकटॉक के, तो फिर उनको दिक्कत आएगी, देखे सीधे से उनकी नौकरी गई। अब जो लाखों लोग थे भाई टिकटॉक पर रोज वीडियो बनाते थे, पैसे कमाते थे, वो तो बेरोजगार हो गए। अब देखते हैं क्या होता है उनके साथ, सभी लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पर जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहले नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे उनको सीटेट की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, 30 जून 2020 तक की उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो सीटेट को लेकर। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सीटेट का एडमिट कार्ड कब जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड की तो बात रह गई है। देखिए एडमिट कार्ड पेपर के दोस्तों कम से कम 10 से 15 दिन पहले आपको पता चलेगा, 15 डेज पहले। तो इसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा कि यार एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको पता चलेगा या नहीं। पहले दोस्तों इस अपडेट को हम जरा देखते हैं कि जो कोचिंग सेंटर दोस्तों बंद रहने वाली बातें, क्या क्या होने वाला है लॉकडाउन टू में। ये अनलॉक टू है, वैसे लॉकडाउन टू तो नहीं है। देखिए अनलॉक वन खत्म होने से एक दिन पहले सरकार ने सोमवार रात अनलॉक टू के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। 1 से लेकर 31 जुलाई तक रहने वाले अनलॉक टू के ज्यादातर दिशा निर्देश अनलॉक वन वाले ही हैं। स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर अनलॉक टू में भी बंद रहेंगे, लेकिन लॉकडाउन को अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी
अभी भी रोक जारी रहेगी, हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति मिलेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, स्विमिंग पूल, जिम और बार बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ जमा होने वाले समारोहों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। हालात की समीक्षा के बाद इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली में दोस्तों बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब विलेज इंडोर स्टेडियम को भी कोविड केयर सेंटर में बदलने का काम तेजी से चल रहा है। आज दोस्तों राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार की रात एक ट्वीट जारी करके बताया कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। उल्लेखनीय है कि मंगलवार यानी 30 जून को अनलॉक 1 खत्म हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए सोमवार को ही दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो दोस्तों 1 जुलाई यानी बुधवार से प्रभावी होंगे। कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से निर्धारण होगा। दुकानों में शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। खास बातें दोस्तों क्या क्या होने वाली, इसको जरा हम देखते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय ने जारी दिशा निर्देश अनलॉक 2 1 से लेकर 31 जुलाई तक प्रभावी होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम, बार ये सब बंद रहेंगे। घरेलू उड़ानों और ट्रेनों का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और 15 से दोस्तों खुल जाएंगे सरकारी प्रशिक्षण केंद्र। ये सब चीज़ें होने वाली हैं। अब दोस्तों बात करेंगे सीटेट की परीक्षा आखिर कब होगी। अगर ऐसा सब कुछ चलेगा तो पेपर वेपर होगा या नहीं सीटेट का। देखिए, अब सीटेट की परीक्षा दोस्तों आप ये मान चलिएगा जुलाई में तो नहीं होगी, ठीक है। अगस्त के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अगस्त में परीक्षाएं होंगी। जुलाई के दोस्तों जो उम्मीदें थी वो सब खत्म, ठीक है। अगर दोस्तों परीक्षा होगी तो हम आपको अपडेट करके बता देंगे। फिलहाल आप लोग अफवाहों से सावधान रहिएगा। सीटेट दोस्तों दोबारा से क्लियर किया, क्योंकि काफी बच्चे अभी भी कंफ्यूजन है कि यार पेपर तो 5 को ही होगा, लेकिन 5 को नहीं होगा, इसको सीटेट ने दोबारा से कंफर्म कर दिया एक सीबीएसई के ऑफिशियल पोस्ट के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट ट्विटर पर आई थी, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि फिलहाल सीबीएसई का दोस्तों जो सीबीएसई मतलब पेपर कराने वाला था सीटेट का 5 तारीख को, वो कैंसिल है। अब कोरोना के दोस्तों क्या मामले हैं, पेपर कब तक होगा, कोरोना से हम इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे देश में इंडिया में 24 घंटे में 18,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, 417 लोगों की जान गई है 24 घंटे के भीतर। अब तक 16,900 से अधिक लोगों की जान हमारे देश में जा चुकी है। 5,67,000 से अधिक केसेस कोरोना के मिल चुके हैं। तो मामले दोस्तों बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए हम लोग रथिया को बहुत ही जल्दी मतलब पिछाड़ देंगे, मतलब तीसरा नंबर दोस्तों इंडिया लेने वाला है। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर अब कोरोना वायरस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया में दोस्तों हम तीसरे नंबर पर आने वाले हैं, ये बड़ी बात है। जहाँ दोस्तों हम बार बार इटली की बात करते हैं, तो यहाँ सोचिए पिछले 24 घंटे में मात्र 126 नए कोरोना मामले, ठीक है ना, 126 केस मिलते हैं और 6 लोगों की जान भी गई है, ये दुखद है। तो हमारे देश में दोस्तों 18,000 मामले एक दिन में आते हैं, इटली में 126, जबकि इटली दोस्तों एक समय नंबर 1 पोजीशन पर था, जहां पर दोस्तों आज अमेरिका है, यूएसए है। ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यूपी में है, तो राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा निरस्त होंगी, छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसके दोस्तों क्या पूरा मैटर, इसको जरा दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास में हुई बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया। कमेटी ने परीक्षा निरस्त कर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की है। सोचिए कमेटी कितनी अच्छी थी, मतलब छात्रों की इसमें बात कर दी कि भाई छात्रों को प्रमोट करके अगले सेमेस्टर में डाल दिया जाए, अगली कक्षाओं में डाल दिया जाए। अच्छी कमेटी है, बच्चे काफी खुश हो रहे हैं इससे। तो ये सब दोस्तों ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय यूपी में। जुलाई में पेपर होंगे या नहीं, बात है सीटेट की, पेपर 1 और पेपर 2। देखिए अब पेपर तो आपका एक ही दिन होगा, पेपर 1 भी दोस्तों आपका एक ही दिन हो जाएगा, उसी दिन आपका पेपर 2 भी होगा, सब कुछ सही रहा तो। लेकिन अब समय लगेगा, ये बात आप मान लीजिए, समय ज़्यादा लगेगा, इस बात को भी आपको एग्री करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा समय लगेगा तो कम लगेगा, लेकिन समय लगेगा तो ठीक ठाक लगने वाला है। तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर आप लोग तैयारी करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सीटेट न्यू एग्जाम डेट को लेकर हम ये बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या होने वाली है। देखिए अगर आपकी तैयारी खराब होती है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये मान के चलते हैं यार 1 महीने तो अब पेपर होगा नहीं, तैयारी आपने छोड़ दिया, तो सब मेहनत खराब हो जाएगा जो आपने पिछले कुछ महीनों में किया होगा। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में बच्चे जमकर पढ़ाई की, 5 तारीख अब आने वाली, तो मतलब तैयारी तो लगभग लगभग सबकी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब लास्ट टाइम में पता चला पेपर तो नहीं होगा, तो तैयारियां खराब हो रही। तो मतलब आप तैयारी छोड़िएगा मत, ठीक है ना, मेहनत आप करते रहिए
और उन सभी छात्रों को भी, अगर आप लोग टिकटॉक के यूजर्स थे, आप क्रिएटर्स थे, या दोस्तों आप कुछ भी मतलब इनमें से कुछ यूज करते तो मतलब आपके पास देखिए और भी चीज़ें हैं, अल्टरनेट हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो क्रिएटर्स होंगे वो इस समय बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकते हैं, डिमोटिवेट हो सकते हैं, क्या जिनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं, होता है ना कि आप फैंस बनाने में कितना टाइम लगता है, ये तो हम भी जानते हैं। यूट्यूब पर दोस्तों सब्सक्राइब हो गया, टिकटॉक पर फॉलो हो गया, इंस्टाग्राम पर फॉलो हो गया, हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं, तो मेहनत तो लगती है। तो फिलहाल उनको मोटिवेट करिएगा, इस समय डिमोटिवेट का कोई मतलब नहीं है। चाइनीज ऐप था दोस्तों, इसको पहले ही बैन हो जाना चाहिए था, मतलब देश में आना ही नहीं चाहिए था, जिससे कि जो क्रिएटर्स हैं दोस्तों वो टिकटॉक पर ना जाकर कहीं और जाते हैं और वहाँ अपना काम करते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल आप लोग की जो परीक्षा की नई तारीख होगी वो अगस्त में होगी, तो आपकी परीक्षा दोस्तों अब जुलाई में तो फिलहाल नहीं होने वाली, ये समझ जाइए, क्योंकि दोस्तों जुलाई भर में तो कॉलेज कोचिंग सेंटर ये सब खुलने वाले नहीं है। और देखिए छात्रों की एक डिमांड और हो सकती है कि आपका पेपर अब अगस्त में भी ना हो। रीजन क्या है कि अब आपकी कोचिंग खुलेंगे नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी, जब पढ़ाई नहीं होगी तो पेपर कैसे दिया जाएगा। बहुत सी बातें उठने वाली हैं सोशल मीडिया पर, देखिएगा ट्रेंडिंग में सब आएंगी, आप तक दोस्तों वीडियोस भी पहुंचेंगे। फिलहाल अब मान के चलिए दोस्तों जो आपकी परीक्षा की नई तारीख होगी वो जुलाई में नहीं होगी, ठीक है। जुलाई में उम्मीद बिल्कुल दोस्तों ना के बराबर है, अगर कोई जुलाई में पेपर होता है तो उसकी अपडेट हम करेंगे भी आपको फिलहाल, लेकिन अभी तक के लिए जुलाई में आपका पेपर अब नहीं होगा, होगा तो अगस्त में होगा या उसके आगे जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।